स्वागत है मित्रों, एक बार और हम आपको साथ में लेकर आए हैं हमारे कॉमिक्स एंड यू के मंच पर। और आज हम जो है कॉमिक्स एंड यू के मंच से शक्ति प्रदर्शन करेंगे। सो इस शक्ति प्रदर्शन के लिए आज हमारे साथ हैं शक्ति कॉमिक्स के एक कार्यकर्ता, हम इनको कह सकते हैं, हम इनको शक्ति ग्रुप का चेहरा कह सकते हैं, या तो जो है हम शक्ति कॉमिक्स इन्हीं के नाम से जानते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं आज हमारे इस कॉमिक्स एंड यू के मंच पे विजय जी का। विजय जी, आपका हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं कॉमिक्स एंड यू के मंच पर, आपने अपना कीमती समय दिया। कैसे हैं आप? हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ सिद्धार्थ जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और चेहरा या जानने की बात नहीं है, मैं बस एक एडवाइजर हूँ इसका, ठीक है। इसका ओनर जो है वो मेरे फैमिली मेंबर्स भी हैं, और उससे बाहर भी हमारे टीम मेंबर्स हैं जिनको लोग अब धीरे धीरे जानने लगे हैं, हमारे ऑर्डर मैनेजर अमन जी, या हमारा जो चैट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और दूसरे सोशल एक्टिविटीज देखते हैं दिनकर जी, वो एक यूट्यूबर भी हैं। तो ये सभी लोग मिलकर ये सारी चीज देख रहे हैं। हम मेरा काम बस बताना है कि क्या कैसे है, एक छोटा मोटा एडवाइजर, और कुछ नहीं जी, बताइए। ये काफी रोचक तथ्य है जो आपने पहले ही बताया जी। विजय जी, हम इस बात को थोड़ा और बाद में जो है इस बात का खुलासा करेंगे और इस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, आप क्या करते हैं फिलहाल, और कॉमिक्स प्रेम कैसे शुरू हुआ? सर, बेसिकली तो मैं मेरठ से हूँ, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेरठ शहर हमारा पुराना है ना, 1857 की क्रांति की धरा है वो, और उसे बहुत सारी चीजों के लिए जाना जाता है, श्रवण कुमार हो या भाई कुछ लोग और भी वजहों से जानते हैं, ठीक है। और मैं वहीं पढ़ा पढ़ा, और हिंदी मीडियम के स्टेट बोर्ड से मैं पढ़ा लिखा, और हिंदी पढ़ने में मजा आता था, बट और आने लगा जब हमने कॉमिक्स पढ़नी शुरू, ठीक है। पहली कॉमिक्स मुझे आज भी याद है, मेरे पिताजी ने, मैं फिफ्थ क्लास पास किया था तब लाके दी थी, चाचा चौधरी की एक कॉमिक्स थी, कोई डाइजेस्ट थी, नंबर लिखा होता था ना चाचा चौधरी डाइजेस्ट नंबर के, तो वो थी, और एक ताऊजी की कॉमिक्स थी इंग्लिश में, वो मुझे याद है मैंने कभी नहीं पढ़ी, पहले मैंने वो चाचा चौधरी ही पढ़ी, बहुत बाद में जाके वो मेरे, क्योंकि कॉमिक्स तो रखी रहती, बहुत बाद में वो पढ़ी। फिर धीरे धीरे स्कूल जाता था, मतलब बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स छोड़ के आते हैं या किसी और मेथड से स्कूल जाते हैं, बट लेटर ऑन आप साइकिल से स्कूल जाने लगते हैं, तो मैं जाता था। तो स्कूल जाने रास्ते में ना दुकानें पड़ती थी कॉमिक्सों की, उस टाइम प्रचलन था काफी, तो कॉमिक्सों दुकानों पे कॉमिक्स को टंगे हुए देखना ना अपने आप में फैसिनेटिंग था कि नागराज और नया कॉमिक्स ऐसे टंग रहा है ना, अगर आपको याद हो एक ऐसे रस्सी बांध के टांग, तो बड़ा अच्छा लगता था। और फिर मैं स्कूल से आते हुए उस कॉमिक्स की शॉप पे रुकता था, देखता था कौन सी नई कॉमिक्स आई है, और उसको रेंट पर लेकर आता था, और नेक्स्ट डे स्कूल जाते हुए उसको फिर से वापस देता था। तो ये एक सिलसिला शुरू हो गया, और वो चलता रहा जब तक कि मेरा स्कूल कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा, ये और कौन से सन की बात है ये मतलब मैंने 2008 में मेरा ये 12th इंटरमीडिएट कंप्लीट हुआ, तब तक ये सिलसिला अनवरत चलता रहा। 2008 तक आपको याद होगा नागायण आई थी, तो तब तक चलता रहा। राज कॉमिक्स ही बेसिकली सबसे ज्यादा पढ़ी जाती थी, बट इसके अलावा मुझे जब मैं कॉलेज में आ गया थोड़ा राज कॉमिक्स की कंटिन्यूटी कम हो गई, और हम थोड़ा अलग भी हो गए। तब उस टाइम मुझे इंद्रजाल कॉमिक्स के बारे में पता चला कि हिंदी में एक कॉमिक्स का बहुत बड़ा कलेक्शन आया करता था जिसमें फैंटम, मैंड्रेक, फ्लैश गोल्डन आते थे, तो और वो बेसिकली हिंदी में अवेलेबल, क्योंकि हम हिंदी वर्ल्ड के हैं तो थोड़ा एक जुड़ाव ज्यादा है। कैरेक्टर्स भले ही विदेशी हों, इन कैरेक्टर्स को हमने सबसे पहली बार देखा था, मुझे याद है हम बहुत छोटे थे, एक डीटी मेट्रो पे सीरियल आता था डिफेंडर्स ऑफ दी अर्थ, है ना, तो वो कार्टून सीरियल मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर पता चला अच्छा ये लोग हैं, तो वो सब पढ़ना शुरू किया, तो पठन पाठन ये चलता रहा, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, और उसके बाद मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करने लगा तो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते रहे, एग्जाम देते, कभी फेल होते, जो कुछ भी है। तो इसी साल यानी कि 2021 में जनवरी में मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन अपनी छोड़ दी, अब और नहीं होगा है ना, एक टाइम मुझे लगा कि नहीं अब ये सब नहीं हो पाएगा, तो वो मैंने छोड़ी, और उसी टाइम याद आया कि दूसरा मैं लाइफ में क्या कर सकता हूँ। यूपीएससी की प्रिपरेशन के अलावा मैं बस कॉमिक्स था जो मैंने जीवन में किया, पढ़ा या देखा था, तो उस टाइम सोचा था कि भाई कॉमिक्स की फील्ड में जाते हैं। फिर मैंने घर पे बात की,
तो मेरे घर वाले भी तैयार थे, पिताजी रिटायर हो चुके थे, तो उन्होंने कहा ठीक है करते हैं। तो उन्होंने ये कंपनी स्टेब्लिश की मेरे शौक की खातिर, ऐसा समझ लीजिए। और फिर उन्हें मैंने बताया कि यहाँ है ये राजवंश है ये, फिर अपने ललित भाई जी आ गए हैं, वो जम्बू और अंगारा ला रहे हैं। फिर लेटर ऑन हम पढ़ते गए, बुलसाई से रविराज जी ने खुद ही कॉल कर लिया, उनसे बात हुई, फिर रविराज जी के थ्रू ही उधर होलिकाओं के विवेक जी से बात हुई। तो धीरे 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 हमारा कलेक्शन बढ़ा और हमने लोगों को कॉमिक्स पहुंचाई। बेसिक जो मोटो था वो सिर्फ यही था कि लोगों तक कॉमिक्स पहुंचे और जल्दी पहुंचे, है ना। आप जानते हैं कि 2016 से 2020 के आसपास तक राज कॉमिक्स की अपनी वेबसाइट हुआ करती थी, जहां से बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ही जो अवेयर थे वो ही ले पाते थे। बट लेटर ऑन जो और कॉमिक्स आई, मतलब साइट आई, जैसे उमा कार्ट हो गई, कॉमिक्स अड्डा हो गई, फिर हम आ गए, HBM पहले से है, तो इन लोगों ने लोगों तक अलग अलग रीच बनानी शुरू की, अलग अलग फेसबुक ग्रुप बने, अलग अलग तरह के लोग जुड़े, और जितने उन लोगों से जुड़े हुए लोग थे वे भी कॉमिक्स से जुड़े। अब मेरे सर्कल में या मेरे जानने वालों के सर्कल में जितने लोग कॉमिक्स पढ़ना चाहते थे बट हट चुके थे जॉब या फैमिली इस सब के कारण, वो फिर से जुड़े। और इन सेलर्स के आने से मैं सही बता रहा हूँ, कॉमिक इंडस्ट्री को एक नया बूस्टअप मिला, फिर से लोगों को पता चलने लगा फेसबुक पे, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा शेयर, उतना ज्यादा सब्सक्रिप्शन। तो यूट्यूब हो गया, यूट्यूब पर भी उतना ही हुआ। तो एक तरह से अभी जो फेज है वो कॉमिक इंडस्ट्री का, इंडियन कॉमिक इंडस्ट्री का रिवाइविंग फेज है, और यही मैं चाहता था। जनवरी में जो सपना सोचा था वो आ गया, है ना। अब कॉमिक्स पढ़ी नहीं रहती है कि हाँ कॉमिक्स वेट करेगी कि कोई आएगा मुझे लेने, अब लोग वेट करते हैं कि कॉमिक्स का। कब कॉमिक्स आएंगे? क्या बात, क्या बात। थैंक यू विजय जी, आपने ये एक छोटा सा सारांश दे दिया पूरी बात का। और मैं अपने दर्शक बंधुओं से ये बताना चाहता हूँ कि ये भाई साहब जो हैं, इन्होंने अपने परिवार को प्रोत्साहित किया इस बिजनेस में आने के लिए, ताकि वो कॉमिक्स का बिजनेस शुरू कर सके। तो हम जैसे छोटे मोटे जो बच्चे थे अपने बचपन में, हम तो अपने माँ बाप से बस जिद करते थे कि फला कॉमिक्स दिला दीजिए, पर इन भाई साहब का कॉमिक्स प्रेम जो है एक पूरा बिजनेस स्टार्ट करा दिया अपने फैमिली, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैंने बताया ना, मेरे पिताजी ने ही मुझे पहली कॉमिक्स ला दी थी। कहानी उल्टी है। जी, तो मुझे ये बताइए विजय जी, जहां तक कंपटीशन का सवाल है बुक सेलर्स के माध्यम में और बुक सेलर्स के बीच में, मुझे याद है आप जब शक्ति कॉमिक्स जब लॉन्च हुई और शक्ति कॉमिक्स ने जब अपना बिजनेस शुरू किया लोगों के बीच में, तब इन्होंने काफी अच्छे अच्छे स्ट्रेटेजीज अपनाई, चाहे वो पॉइंट्स रिडीम करना हो या रेयर कॉमिक्स गिफ्ट करना हो या इस तरह की जो फैसिलिटीज थी, तो ये सारे आइडियाज किन के दिमाग की उपज थी? क्या इसके पीछे आप थे कि आपकी टीम थी, क्या थी? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, और कुछ लोग पहले भी ये कॉमिक वाली बात तो पूछना ही चाहते थे, जी बट एक्चुअली कुछ खास वजह नहीं थी, ना ही ये कोई बिजनेस टैक्टिक्स थी। ये एक इच्छा थी कि लोगों तक कॉमिक्स पहुंचे, वो भी जो है अवेलेबल और वो भी जो अवेलेबल नहीं है मेरे पास। अब मैंने जैसे आपको बताया बचपन से कॉमिक्स पढ़ते थे, तो एक अच्छा खासा कलेक्शन ग्रेजुअली ग्रेजुअली बन जाता था। राज कॉमिक्स मेरे पास लगभग सारी थी, मनोज कॉमिक्स और तुलसी कॉमिक्स का मुझे कभी ज्यादा शौक नहीं रहा, क्योंकि मैं 91 बोर्न हूँ और पढ़ना शुरू किया 97 98 के आसपास, तो तब तक ये या तो बंद हो चुकी थी या बहुत स्लो स्पीड में आ रही थी, जी तो कुछ वजह थी मैं नहीं कलेक्ट करता था। राज कॉमिक्स का मेरे पास अच्छा खासा कलेक्शन था, तो जब मेरे पास कलेक्शन कंप्लीट हो गया, मुझे दोस्त बने कॉमिक कम्युनिटी में, वे पूछते थे कि भाई ये कॉमिक्स मुझको दे दोगे क्या, ये कॉमिक्स मेरे को दे दोगे क्या, मेरे कलेक्शन में ये कॉमिक्स कम है। तो मुझे बड़ा मतलब अजीब लगता था कि हाँ ठीक है मेरे पास है, मैंने पढ़ ली, मेरे पास ज्यादा उसका यूजफुलनेस नहीं है उतनी, बट जब मैंने वो कॉमिक्स देनी शुरू की तो कॉमिक्स को देने पर आपको खुशी मिलती बिल्कुल, है ना। आपकी वजह से किसी और दूसरे का अगर कलेक्शन पूरा होता है, मतलब ऐसी ऐसी बातें वो लोग लिखते हैं ना, पढ़ के इतनी खुशी मिलती है कि वो कॉमिक्स मुझे मेरे पास रखे हुए वो खुशी नहीं दे रही थी। सही, मेरे पास पूरा कलेक्शन था, अब नहीं है, अब कुछ भी नहीं है, ठीक है। इंद्रजाल छोड़ गए, इंद्रजाल का कलेक्शन मैंने रखा है अभी, क्योंकि वो जी मैं पढ़ता रहता हूँ। बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त कोरोना काल में चले गए लास्ट ईयर और इस साल भी,
उनमें से एक थे डॉक्टर साहब हमारे खासियाबाद के त्यागी जी जी। उन्होंने मुझसे कॉमिक्स मांगी थी ध्रुव चक्र की, और वो मेरे पास थी। मैंने कहा भाई ये लो। अब वो गाजियाबाद, हम नोएडा में हूँ, गाजियाबाद है तो पास में ही थे, तो उन्होंने किसी को भेज दिया, वो बंदा कॉमिक ले गया। तो उधर से उन्होंने पूछा कितना पैसा दूं इसका। मैंने कहा भाई पैसा नहीं चाहिए, कॉमिक्स रख लीजिए बस। तो मतलब उनके वो, मुझे नहीं पता था कि वो लास्ट लाइन है उनसे सुनते थे। उन्होंने बहुत ज्यादा धन्यवाद किया है ना, और वो बहुत खुश थे। और फिर जब पता चला वो चले गए, तो वो बस यादगार रह जाती है, और कुछ नहीं। कॉमिक्स जो बांटना था वो सिर्फ ये पर्पस था। शुरू में हमने सोचा था कि जो फर्स्ट 100 ऑर्डर्स आएंगे उनको देंगे, बट लेटर ऑन लोगों के बहुत ज्यादा मैसेज आते थे, ऑर्डर के साथ नोट आ जाते थे, प्लीज मेरी ये कॉमिक मिसिंग है, मुझे ये दे दो। तो जब तक संभव हुआ और जब तक मेरा खजाना खाली नहीं हो गया, मैंने दी। क्या बात, और कोई बिजनेस टैक्टिक्स नहीं। ये इसे कहते हैं परोपकार करना, मतलब आप जो है अपना जो है पूरा खजाना आपने लुटा दिया, लेकिन जो खुशी मिली उस खजाने को लुटाने के बाद, वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो विजय जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एज अ रीसेलर, आप और आपकी टीम को जो है शक्ति कॉमिक्स को, क्या क्या मेजर चैलेंजेस से गुजरना पड़ा और क्या क्या मेजर चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। गुड पॉइंट। रिटेलर कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। रिटेलर को क्या इशू है कि कॉमिक्स पहुंचाना एक के लिए अच्छा काम है, आपने कॉमिक्स आ गई आपको, आपको उस एड्रेस पे पैक करके पहुंचानी है। बट अगर मैं पर्टिकुलरली रिटेलिंग बिजनेस जो सबके लिए कॉमन है उसकी बात करूं, तो कॉमिक्स क्या है कि ये ग्लोसी पेपर में आजकल आ रही है जो काफी हैवी है। ग्लोसी पेपर में कॉमिक आने की वजह से उनका शिपिंग चार्जेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वजन बढ़ जाता है, वो वेट के हिसाब से जाता है। तो जो शिपिंग चार्जेस है वो आप यकीन मानिए कि 15 से लेकर 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कॉमिक है। अच्छा जी, ठीक है। ये तो एक बात है जिससे ये चीज सिद्ध हो जाती है कि इस लाइन में मार्जिन बहुत कम है, ठीक है। फिर आप अगर वेबसाइट के थ्रू ले रहे हैं तो आपको पेमेंट गेटवे चार्ज और आपकी वेबसाइट का मेंटेनेंस इस सब का भी होता है। खैर वो चीज छोड़िए, पैकिंग एक दूसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा है सोचने के लिए, वो पैकिंग है। क्योंकि भारी किताब आप किस तरीके से पैक करें कि वो सुरक्षित पहुंच जाए जी, इसमें हमने टाइम टू टाइम बहुत सारे चेंज किए। शुरू में केवल बबल यूज करते थे, लेटर ऑन बबल एंड कार्डबोर्ड यूज करना शुरू किया। फिर पता चला कार्डबोर्ड से वेट इतना बढ़ रहा है कि शिपिंग चार्जेस और बढ़ जा रहे हैं, सो बबल की क्वालिटी बेटर करना, और बेटर करना, फिर वाटर प्रूफिंग, क्योंकि बारिश भी होती है, कोरोना भी है, तो लोग अपर लेयर फाड़ कर अलग फेंकना पसंद करते हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, और सीरियसली ये बहुत चैलेंजिंग है कि लोगों तक सही से कॉमिक्स पहुंच जाए। फिर भी आपकी 100 में से 2 कॉमिक्स तो आपकी, मतलब 2 पैकेज आपके डैमेज होंगे ही होंगे, इधर बाय कुरियर कंपनी और बाय सपोर्ट, ठीक है। तो वो आपको रिप्लेस भी करना होगा वो, या रिफंड भी करना होगा, ठीक है। तो ये चैलेंजेस हैं, और इन सबको, मतलब जितने भी रिटेलर्स हैं भाई, कॉमिक्स अट्ठा हो, उमा कार्ड हो या हवेली हो, ये सब लोग पहुंचा रहे हैं। मतलब जो भी आपको, आप तक कॉमिक्स पहुंचा रहा है, पूरी मेहनत कर रहा है कि आप तक सुरक्षित कॉमिक्स पहुंचे। और मैं इन लोगों को भी पर्सनली जानता हूं, सभी और सभी सिर्फ इस क्षेत्र में कॉमिक्स प्रेम की वजह से हैं और किसी वजह से नहीं। ये एक उपलब्धि है विजय जी, मैं ये कहना चाहता हूँ। आपने जो आखिरी बात कही कि ये सही में कॉमिक्स प्रेम ही है जिसकी वजह से आज हम और आप बात कर रहे हैं, और कॉमिक्स एंड यू के मंच से विगत कई सारे जो है हमारे एपिसोड्स जो लॉन्च हुए हैं उसमें जितने भी लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉमिक्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कोई बहुत बड़ा स्कॉलर हो, चाहे वो एक बहुत बड़ा पब्लिशर हो, और चाहे वो एक बहुत बड़ा फैन हो, लेकिन सब में एक ही चीज कॉमन है कि कॉमिक्स प्रेम सब में जो है पूरी तरह से जो है अभी अभी दोबारा जो है जोश मार रहा है। आपने अभी कोरोना काल की बात की, तो कोरोना काल में जो हमने देखा सर, कि कोरोना काल से पहले तो मुझे भी पता नहीं था कि कॉमिक्स मिलती हैं या बिकती हैं, क्योंकि मैं अपने नौकरी के चलते कई सारे प्रांतों में रहा हूं। तो एक तो कॉमिक्स का ना मिलना एक बहुत बड़ी बात होती थी, अब तो रेलवे स्टेशन पर भी मिलना करीब करीब बंद ही हो गया, और अगर आप दूसरे प्रांतों में जाएंगे तो शायद आपको हिंदी कॉमिक्स इक्का दुक्का ही शायद मिले, अगर मिले तो मैं तो करीब करीब ये छोड़ ही चुका था कि शायद ये मिलती होंगी, अगर मिलती भी होंगी तो बहुत ही सीमित दायरे में शायद मिलती होंगी।
लेकिन जब कोरोना काल वापस आया और हम लोगों को हर तरीके से प्रचार प्रसार के माध्यम से हमको पता चला कि लोग जो है कॉमिक्स पढ़ना शुरू कर दिए हैं, और एक दिन अचानक जो है मेरे व्हाट्सएप पे किसी ने ढेर सारी जो है पीडीएफ भेज दी जो मतलब बहुत पुरानी कॉमिक्सों की थी, जो शायद अब शायद मिलती भी ना हो, प्रिंट भी ना होती हो। तो मुझे लगा यार अभी भी लोग कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, और अगर पढ़ रहे हैं तो फिर इसमें कैसी बात है। उसी बीच हम लोग विदेशी मूवीज भी देख रहे थे, ये मार्वल की मूवीज आती थी, डीसी की मूवीज आती थी। तो मेरे बेटे ने एक दिन सवाल पूछा कि ये तो सही बात है, लेकिन हमारे इंडियन हीरोज कहाँ है, क्या हमारे इंडिया में हीरोज नहीं है? और ये बात जो है मेरे दिल को एकदम छू गई कि भाई हम तो बचपन से जो है पढ़ के बड़े हुए हैं, और हमारे जो बच्चे हैं उनको पता ही नहीं है इस बारे में, तो चलो कुछ करते हैं इसके लिए। तो इसी के चलते जो है मैंने अपना पीएचडी शोध शुरू किया कि कहाँ है हमारे इंडियन हीरोज और उनको हम कैसे जो है इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से मेरा एक छोटा सा मतलब ये जो है उद्योग है, मैं ये शुरू कर रहा हूँ अपनी तरफ से, और मेरे पीएचडी के जरिए मैं जो है लोगों को बताना चाहता हूँ कि भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री में कितना दमखम है। अगर इसको सही तरीके से आंका जाए तो ये भी एक बहुत अच्छा मतलब काम कर सकती है, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, चाहे वो गेमिंग प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो मूवी हो, वेब सीरीज हो, कुछ भी सीरीज कुछ भी हो, मतलब दम तो बहुत है, पर आगे ले जाना है अब हम सबको एक साथ। तो कोरोना काल में जब आप देख रहे हैं कॉमिक्स का ट्रेंड जो बढ़ा, उसके बारे में आप कुछ बताएं, क्योंकि उस समय पे हमने देखा कि मुमांगे दाम पर कॉमिक्स भी बिक रही थी और लोग उसको ले भी रहे थे। अब हालिया जब कॉमिक्स के दाम बढ़ गए तो उस पर भी काफी बवाल मचा है। तो समझ में नहीं आ रहा कि ये एक मतलब कैसी बात है, मतलब एक तो आप रेयर कॉमिक्स हैं किसी भी दाम पे खरीद लेते हैं, और एक तरह अगर आप बात करें तो अगर पब्लिशर दाम बढ़ाते हैं तो आप उनको भी जो है आप कटघरे में खड़ा करते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना? बहुत 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 अच्छा लगा सुन के। एक तो मैं आपको जानता था कि आप पीएचडी कर रहे हैं, बट पीएचडी के पीछे की वजह आज नहीं, वो बहुत अच्छी है। ठीक है, चलो बच्चों की कोई तो सुन रहा है। बच्चों की सुनने के बाद ही हमने सिक्योरिटी चालू किया था। तो सर ये बताइए, आप जो है नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए आपका क्या सुझाव है? आजकल के बच्चों को और आज की जनरेशन को अगर हमें जोड़ना होगा तो हमें क्या करना चाहिए? सर इसके पीछे दो पॉइंट है। पहला पॉइंट, उन तक पहुंचे कैसे? वो इसलिए क्योंकि मेरे पास मेल आ रहे थे, काफी मेल आए हमारे पास, मैसेजेस भी आए। उसमें स्कूल गोइंग किड्स होते थे या कॉलेज गोइंग बॉयज होते थे, और वो रिक्वेस्ट करते थे कि सर हमारे पेरेंट्स जो है वो हमको ई वैलेट या प्लास्टिक मनी यानी कि कार्ड्स वगैरह की एक्सेस नहीं देते हैं, सो बट हम कॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, सो कैन यू अरेंज, क्या हम तक कॉमिक्स आ सकती है एनी हाउ? तो वो बार बार ऐसा पूछते रहते थे। उनके पास पैसा होता है क्या, पॉकेट मनी मिलती है, जो भी है, तो उन्होंने ये कई रिक्वेस्ट आए, बट प्री ऑर्डर्स के साथ में वो संभव नहीं था। इसलिए हमने फिर लेटर ऑन प्री ऑर्डर्स बंद किए, और फिर प्री ऑर्डर्स बंद करने के बाद हमने सीओडी चालू किया, और हमारे पास काफी ऑर्डर्स आए जो बच्चों के हैं, स्कूल गोइंग किड्स हैं, ठीक है, या कॉलेज वाले हैं, और उनको जब कॉमिक्स मिलती है और उसके बाद में वो बहुत अच्छे ईमेल्स आपको रिप्लाई में करते हैं, मैसेजेस करते हैं थैंक्स के साथ, वो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे जब हम बच्चे थे और हमें कॉमिक्स मिलते। तो एक और खुशी मिलती है कि एक नई जनरेशन जो कि भविष्य है कॉमिक्स इंडस्ट्री का। अभी जो मोस्ट बायर एरिया या बायर एज ग्रुप है वो सिर्फ और सिर्फ उन 1980s 1990s के नॉस्टैल्जिक बच्चों का है जो बचपन में कॉमिक्स पढ़ते थे, उसके बाद कॉलेज गए, सेटल हो गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, वेब सीरीज भी देख डाल ली, अब करने को कुछ नहीं बचा तो अब कॉमिक्स चाहिए जी, है ना? एकदम सही बात। कोविड में फिर से एक बार को इच्छा हो गया, बट भविष्य में आपको बता रहा हूँ इन्हीं बच्चों के हाथ में। दूसरी चीज कॉमिक्स की अफोर्डेबिलिटी, ठीक है, अफोर्डेबिलिटी की मैं आपको बात बताऊं। पहले कॉमिक्स पब्लिश होती थी तो पब्लिशर अपनी सहूलियत के हिसाब से कागज लेके, अपनी सहूलियत के हिसाब से प्रिंटिंग देखकर, नंबर ऑफ कॉमिक एस्टिमेट करके कॉमिक्स पब्लिश करता था और मार्केट में उतारता था। लोगों का फीडबैक उन तक पहुंचता था चिट्ठे और पत्रों के द्वारा, ठीक है, जो वो लोग पढ़ते थे, कंसीडर करते थे, बट ज्यादा पता नहीं चलता था। अभी क्या हुआ है, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जो सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं वो तुरंत अपनी बातें पहुंचाने लगते हैं, ठीक है, हैशटैग करके या जो कुछ भी है, मैसेजेस लोगों को मिलते रहते हैं। पढ़ने वाले लोग
5,000-10,000 होंगे, बट फेसबुक पे जो एक्टिव है 1,000-2,000 वो इन्फ्लुएंस कर जाते हैं काफी लोगों को। जैसे मैंने ललित जी के बारे में मैं आपको बताऊं, ललित जी ने जब अपनी कॉमिक स्टार्ट की थी अंगारा की 75 रुपीज में, 32 पेजेस की कॉमिक्स, बहुत ही अच्छा एक प्यारा सा आर्ट पेपर था जो वजन में हल्का था और भी ठीक था और उसका वेट भी बहुत हल्का था, बट उनको भी लोगों ने मैसेजेस किए नहीं हमें मोटा पेपर चाहिए, पेपर में चमक चाहिए, उसमें शाइन आनी चाहिए, पढ़ते हुए अच्छा लगना चाहिए। इस तरीके से कर करके आज ललित जी की कॉमिक्स का वजन दुगना हो चुका है जितने से उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, मोटा पेपर फिर कवर बहुत मोटा, तो इस सबसे क्या है कॉस्ट जो है वो बढ़ती है। पेपर आपको लगता है कि पता ही आज के टाइम में बहुत महंगा है, ठीक है, और उस सब के साथ में वैसी ही फिर प्रिंटिंग भी इंप्रूव करनी पड़ती है उस हिसाब से। और ललित जी ने 75 रुपीज से स्टार्ट किया था और 80 रुपीज उन्होंने अभी किया है केवल, जबकि वो आमूल चूल परिवर्तन कर चुके हैं अपने कॉमिक्स में, चाहे वो अंदर का पेपर हो, चाहे वो कवर हो, चाहे वो बाइंडिंग हो, पिन बाइंडिंग थोड़ी उन्होंने वो धागे वाली बाइंडिंग कर दी है और सिर्फ 5 रुपए का अंतर किया है। इसमें सीधी सी बात है कि ये अंतर 5 रुपए का नहीं है, ये अंतर मैं देखूं तो कम से कम 15-20 रुपए का अंतर है। सीधी सी बात है उन्होंने अपना मार्जिन कम किया है लोगों तक उस क्वालिटी की कॉमिक्स पहुंचाने के लिए जिस क्वालिटी की लोग मांग रहे हैं सोशल मीडिया पर। ठीक है, हमारी बात करें तो हमारा भी मार्जिन कम हुआ है, जैसे ही उसका वजन डबल हो गया हमारा शिपिंग डबल हो गया, तो सीधी सी बात है हमारा भी मार्जिन कम हो गया, बट प्राइस उन्होंने अभी नहीं बढ़ाया है। मैं और पब्लिशर्स की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ललित जी से अच्छे से बात हो जाती है तो मुझे डिटेल्स पता है ना, डिटेल्स पता है, बट कागज का महंगा होना, आप नॉर्मल पेपर पे कॉमिक्स लीजिए, ठीक है, कॉस्ट भी कम आएगी पेपर की और शिपिंग भी कम आएगी, पब्लिशर को भी आसानी होगी, हमें भी आसानी होगी, प्राइस अपने आप हो जाएगी। बट ये जो डिमांड हो रही है मुझे नहीं पता ये जेन्युइन डिमांड है या केवल सोशल मीडिया की डिमांड है, बट इससे प्राइस पर फर्क पड़ता है। ठीक है, और मुझे लगता है जो अगर कॉलेज गोइंग बच्चे हैं उनको नॉर्मल पेपर भी कॉमिक्स दी जाए तो शायद वो पसंद करेंगे प्राइस कम हो तो। जी, मैं आपका ध्यान एक और बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर आकर्षित करना चाहूंगा, वो है पायरेसी। अब जैसे लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तब पीडीएफ में तो कॉमिक्सों की भरमार हो गई थी, और अभी अगर हम देखें तो ये कॉमिक्स, ये सिर्फ इंडिया में बात नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉमिक्स इंडस्ट्री को लेके एक ही दिक्कत है कि आप गूगल पे जाके आप कोई भी आप सुपर हीरो के बारे में लिखिए तो आपको 50 साइटें मिलती हैं डाउनलोड करने की। तो अभी का जो भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री है ये पायरेसी से कैसे लड़ सकता है, इसके लिए हमें क्या कर सकते हैं, इस बारे में कुछ बताइए। जी देखिए, पायरेसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो वो उसकी दुश्मन होती है। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ, हम बात कर रहे थे पायरेसी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जी जी, कॉमिक्स जो है वो भी एक मीडिया है, बट अगर उसकी पीडीएफ बन जाती है तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चला जाता है। आपको याद होगा जब ये सीडी प्लेयर शुरू हुए थे तो बहुत ज्यादा पायरेसी हुई, थिएटर में जाकर रिकॉर्ड कर ली जाती थी और फिर बाहर निकाल दी जाती थी, तो रिलीज हुई नेक्स्ट डे गंदा प्रिंट और एक हफ्ते बाद अच्छा प्रिंट आ जाता था, अगर आपको याद हो, क्योंकि हमने खुद भी कभी कभी वो देखा है ना, तो हमें पता है ये चीज रहेगी सर, ये चीज आप खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत सारा एरिया है जहाँ लोग पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं या एक ऐसा भी तबका है जो नहीं कर पाता, तो वहां पे ये चैलेंजेस है, रोकने की कोशिश सरकार लगातार करती है, चाहे इस तरह की दुकानों पर सीडी वाली की अगर बात करूं दुकानों पर छापे रहे हो या इस टेलीग्राम आदि ये जो चैनल्स होते हैं वहां पे इसके प्रसारण पे रोक लगाने का आईटी नियम। पर केवल और केवल मंशा पे अगर निर्भर छोड़ा जाए तो वो नहीं हो पाएगा, होना नहीं चाहिए, सीधी सी बात है भाई, इसमें आईपीआर है, मेहनत है, सभी की मेहनत है, फिर भी पायरेसी से लोग पढ़ सकते हैं, बट गलत तो है, बट कुछ रोकने के लिए बहुत कुछ कदम उठाने पड़ेंगे इनको। जैसे आप देखें जैसे कोई मूवी इस तरह से रिलीज हो जाती है तो ये लोग काफी हाई एंड जाके गवर्नमेंट अथॉरिटीज आदि से उस मूवीज को हटवाते हैं, तो यदि आप उस एंड तक जाके आई मीन पब्लिशर एंड तक जाकर पहुंच लगाकर या जो कुछ भी है अपनी सिक्योरिटी टाइट करेगा तो इस पर एक तरह से काबू पाया जा सकता है, अन्यथा ये चीज रहेगी।
मेरा मेरा एक और इसमें दृष्टिकोण है जो मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। मेरे कहने का मेरा ये सोच है कि चाहे आप कितनी भी कॉपी बना लीजिए, कॉपी कॉपी ही रहेंगी और ओरिजिनल ओरिजिनल ही रहेगा। तो आप अगर वो ओरिजिनल फ्रॉम द मेकर्स, फ्रॉम द पब्लिशर्स की तरफ से किसी प्लेटफॉर्म पर आ रहा है तो वो दूसरी क्वालिटी की चीज होगी, लेकिन अगर आप उसको अगर आप किसी भी तरह से जो है आप कॉपी करते हैं या इसमें निकालते हैं तो वो उसमें वो बात नहीं रहेगी। हाँ, हालांकि चूंकि मैं 80 और 90 के दशक का इंसान हूँ तो आप जान ही सकते हैं कि हम लोग का बचपन जो है हम लोग का बचपन कुछ भी डिजिटलीकरण से नहीं गुजरा। हम लोग जो है काफी जो है कॉमिक्स और क्रिकेट वगैरह खेल के बड़े हुए थे। तो आज भी मुझे जो है हार्ड कॉपीज ही ज्यादा पसंद होती हैं सॉफ्ट कॉपीज या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। हालांकि इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी एक बहुत अच्छा प्रचार प्रसार का तरीका हो सकता है हमारी कॉमिक्स को प्रमोट करने का। तो धन्यवाद विजय जी, आपने बहुत सारी बातें की। अब हम उस सवाल की ओर बढ़ेंगे जिसके लिए हम सभी जो है उत्साहित हैं, और जब से शक्ति कॉमिक्स ने ये इस बात की घोषणा की है कि अब शक्ति कॉमिक्स जो है अपना शक्ति प्रदर्शन पब्लिकेशन के अखाड़े में करने वाले, तो शक्ति टीम को सबसे पहले कॉमिक्स एमयू की तरफ से ढेरों बधाइयां एवं शुभकामनाएं। आने वाला वक्त शक्ति का शक्ति प्रदर्शन करने में निकले और सभी को पता चले शक्ति कॉमिक्स की कितनी शक्ति है, मैं इसी बात पे जोर देना चाहूंगा। आप अपने आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, किस बारे में काम चल रहा है, क्या हम लोग आशा कर सकते हैं आपसे? बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न को लाने के लिए। काफी लोग इंतजार कर रहे हैं इस प्रश्न के उत्तर जानने के लिए। जिस दिन से घोषणा की थी उस दिन से ही मैसेजेस, फोन्स और कमेंट्स सोशल मीडिया पे आते रहे कि क्या ला रहे हो। मैं रिवील करता हूँ, कुछ सोच के रुका हुआ था, चलिए आपके माध्यम से आज लोगों तक पहुंचेगी ये बात। एक्चुअली आप खुद देखिए कि मैंने जो एस्टेब्लिश किया था शुरू से ही एक था माइंड में कि मेरे को अपनी कॉमिक्स निकालनी है, बट अनुभव भी था, अनुभव हमको चाहिए था कि कॉमिक्स मार्केट क्या है, कितने लोग हैं, लोग वाकई में कितनी उत्सुकता से इस कॉमिक्स को लेना चाहते हैं। जो हमने देखी बहुत बहुत मतलब लोग कॉमिक्स प्रेमी हैं, उन्हें चाहिए कॉमिक्स। फिर पिताजी से मेरी बातें होती रहती थी या और जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, तो हम इस पर काम कर रहे थे काफी समय से। हमारी इच्छा थी कि कॉमिक्स में कुछ नया लाया जाए जी। तो फिर हमने बहुत सारे पहलुओं पर विचार किया, बहुत सारी कॉमिक्स हमने लिखी, कुछ हमारे लेखक मित्र हैं उन्होंने भी हमें भेजी, फिर कुछ एक कॉमिक कहानी अच्छी लगी तो उनको हमने आर्ट के लिए भेज भी दिया, और आर्टिस्ट भी सब इंडियन, सब लोकल, सब इस तरह के लोग जो उस काम को करना चाहते, पैसे के लिए नहीं है किसी चीज के लिए, उस काम को करना चाहते करने के लिए। तो हमने वो दिया, टैलेंट इंडिया में बहुत है, अभी कुछ हमारे यहाँ बाहर के आर्टिस्ट भी आ रहे हैं, बट मेरा पर्सनल व्यू है कि भारत में सब कुछ है बाहर जाने के लिए, ठीक है, पर टैलेंट के लिए। पर एक और चीज थी जो अभी सब लोग मिस कर रहे हैं, मैं क्योंकि काफी क्षेत्रों में गया हुआ भी हूँ, आप बाहर घूमते होंगे, तो मैं कभी कभी पूछता हूँ कि भाई कॉमिक्स पढ़ते हैं आप, जैसे मैं मिलता हूँ लोगों से, तो कहते हैं नहीं कभी वो कॉमिक्स आती थी इंद्रजाल, फैंटम मैंडेट वगैरह वो पढ़ा करते थे, फिर वो बंद हो गई 90 के आसपास, फिर हमने पढ़ी नहीं। सो मतलब मैं ये देखा कि मतलब अच्छा जो कैरेक्टर्स हम पढ़ते थे उनको वे लोग, जिस तरह के लोग भी हैं मतलब जो हमारे अंकल वगैरह की जनरेशन के हैं, वो उन कैरेक्टर्स को जानते भी नहीं जिन्हें हिंदी कॉमिक्स करें। पता नहीं क्या वजह रही, प्रचार प्रसार की कमी रही या क्या रही। फिर धीरे धीरे हमने बात की, रीगल पब्लिकेशन की बात हुई, रीगल पब्लिकेशन रहा भी, वो फैंटम पब्लिश कर रहे हैं, तो फिर धीरे पता चला के मेरी इच्छा हुई कि क्यों ना फैंटम को हिंदी में लाए, तो इसके लिए मैंने बात की, तो पता चला कि राइट्स होते हैं किंगफिशर सिंडिकेट के पास होते हैं, तो मैंने वहां मेल किया, काफी हमारा मेल से लंबा मेल चला महीनों, क्या बिजनेस प्लान रहेगा क्या नहीं रहेगा। उसके बाद फाइनली डिसाइड हुआ कि फैंटम, मैंड्रेक और फ्लैश गोल्डन और कुछ एक कैरेक्टर्स और जिनके राइट्स किंग फीचर या उसके एलाइड सिंडिकेट्स
है उसके हिंदी और बांग्ला के राइट्स और इंग्लिश लीगल के साथ शेयर हमारे पास है। तो यानी कि हम ला रहे हैं आपके लिए पहले सेट में फेंड्रिक फ्लैश गॉर्डन इन हिंदी एंड बांग्ला। मैं अति उत्साहित हूँ ये सुनने के बाद। आप तो प्री हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉमिक्स में चले गए महाराज। अगर हम इंडियन कॉमिक्स की बात करें और भारतीयकरण की बात करें तो ये करीब शुरू हुई थी वही इंद्रजाल कॉमिक्स से, जब पहले पहले हम लोगों को बाहर की कॉमिक्स से मिली थी और ये कई भाषाओं में रीजनली तरीके से आई थी और काफी काफी उत्साहित थे लोग इस समय पे। हमारे स्वर्गीय श्री राजेश खन्ना जी भी एक समय जो है फैंटम का अवतार लिए थे इंडियन मूवीज में। तो अगर आप फैंटम मैंड्रेक और फ्लैश गॉर्डन की बात करते हैं तो ये करीब आप हम लोगों के पैदाइश के पहले की बात कर रहे हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुभव रहेगा दोबारा इनको पढ़ना। क्या बात है। और आप सिर्फ और जो है हिंदी का आप टारगेट नहीं कर रहे हैं, आपने इनको तीन भाषाओं में प्रकाशित करने के आपने राइट्स लिए, तो मुझे आशा रहेगी कि मैं एक प्रति जरूर आपसे सुरक्षित करवा सकती और जरूर से मैं इसका दोबारा जो है आनंद। तो ये तो रहा आपकी कहानी। जी बताइए। हाँ बस मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँ कि राइट्स में मैंने अभी आपको तीन नाम बताए, उसके अलावा और भी अलाइट कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, उनकी भी कॉमिक आएगी। अनुवाद अच्छे से अच्छा हो, हमारे पास हिंदी का स्टाफ है, बांग्ला का भी चल रहा है काम, हमारे मित्र हैं वो देख रहे हैं, तो वो हम अच्छी क्वालिटी में और अफोर्डेबल प्राइस में देना चाहेंगे लोगों को। और साथ ही साथ जो हमारा ऑन पब्लिकेशन का जो आएगा कॉमिक वो भी एक साइड में तैयार हो रहा है, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि वो अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। सेट में आएगा ही आएगा, तो एक इंडियन कॉमिक्स भी आएगी जो यहाँ से जनरेटेड है और दूसरा जो हमारा कैरेक्टर है फैंटम या मैंड्रिक या फ्लैश गॉर्डन जो हम पढ़ते थे, जैसे मैंने बताया डिफेंडर्स ऑफ द अर्थ बहुत अच्छे से देखता था, तो उनको भी अपनी भाषा में हम देख पाएंगे हिंदी, ठीक है, या फिर जो बांग्ला क्षेत्र के लोग हैं, क्योंकि मेरी फेसबुक ग्रुप पे काफी बातें होती थी, बांग्ला वाले लोग काफी चाहते थे कि हमारे पास फिर से वो इंद्रजाल है। तो आप ये समझिए कि शक्ति कॉमिक्स फिर से इंद्रजाल को पुनर्जीवित करने जा रही है, फिर से वो इंद्रजाल का जादू चलेगा। क्या बात है, क्या बात है, ये बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। और मुझे लगता है जितने भी दर्शक हमारे साथ आज जुड़े होंगे उनके लिए ये एक वरदान साबित होगा कि दोबारा मैं इसे प्री हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉमिक्स ही बोलूंगा, क्योंकि हम लोगों के ये इंडियन कैरेक्टर्स नहीं है पर कॉमिक्स से जो हम लोगों का परिचय हुआ इन्हीं कैरेक्टर्स की वजह से हुआ। तो आप जो है प्री हिस्टोरिक एरा को ला रहे हैं कोरोना काल के बाद या पोस्ट कोरोना टाइम्स। सर मैं कॉमिक्स एंड यू के मंच से आपको आने वाले आपके भविष्य के लिए तथा शक्ति कॉमिक्स की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूं, तथा ये भी आशा रहेगी कि जैसे आप दर्शकों की सुनते हैं, दर्शकों के बारे में सोचते हैं एवं करते हैं, आने वाला वक्त आपको जो है सफलता की नई सीढ़ियों पर ले जाए। और बहुत धन्यवाद। जाने से पहले एक आखिरी टिप्पणी, भारतीय कॉमिक्स उद्योग के लिए अगर आपका कुछ भी अगर सुझाव है, चाहे वो पब्लिकेशन हो, सेलर्स हो, रिटेलर्स हो या फिर कॉमिक्स रीडर्स हो, किसी के लिए भी अगर आपके पास अगर कुछ भी सुझाव है आप अवश्य वो शेयर करें। वो सुझाव देने के लिए मेरी उम्र काफी छोटी है वैसे, और हमसे बहुत अनुभवी लोग हैं जो बैठे हैं पहले से और बहुत कुछ दे रहे हैं और कॉमिक इंडस्ट्री को किसी भी तरह से जिंदा उन लोगों ने रखा है, बहुत सम मतलब हम लोग एक तरह से कृतज्ञ हैं उनके लिए। और हमारे जो कॉमिक्स के एडिटर होंगे मिस्टर शंकर, उन्होंने बहुत कुछ सोचा है कि कॉमिक पहुंचनी चाहिए। पहली चीज ये है कि किसी भी चीज को रेयर आप बनाओ, आप उसकी पहुंच बिल्कुल एंड कस्टमर तक होनी चाहिए, आप उसको पहुंचा दो बस। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, अगर कॉमिक्स, मैं जो पर्सनली मैं कॉमिक्स पढ़ता हूँ कोई भी, मैं चित्रकारी के लिए नहीं पढ़ता, मैं रंगों के लिए नहीं पढ़ता, मैं देखता हूँ कि उसमें कहानी क्या है, कहानी क्या है और उस कहानी का एग्जीक्यूशन क्या है। यही चीज मेरे पिताजी ने बताई मुझे। तो जब वो एडिटिंग करेंगे
किसी भी किताब की, तो उसमें वो चीज देखेंगे कि कहानी अच्छे से कही जाए, कहानी अच्छी हो, सुनाने लायक हो, और फिर वो कहानी अच्छे से कही जाए, फिर उसका रंग संयोजन और कला निर्देशन वो अलग चीज है। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कॉमिक अगर ला रहे हैं, पब्लिशर हैं, तो आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि पढ़ने के बाद पढ़ने वाला लगे कि हाँ भाई मजा आए, सीधी सी बात ये है। और जो रिटेलर है वे अपना काम कर ही रहे हैं, वो पहुंचा ही रहे हैं धीरे धीरे धीरे, सीओडी भी एक नहीं देता तो दूसरा दे देता है, प्री ऑर्डर्स हैं एक जगह नहीं है दूसरी जगह है, तो जो ऑनलाइन है उनके लिए भी है और जो ऑफलाइन बैठे हैं उन तक भी धीरे धीरे कॉमिक्स पहुंच रही है, मिलनी शुरू हो गई है, बुक स्टॉल्स पर भी पहुंच रही है, बट उनके अभी जो ऑफलाइन सेलर्स हैं उनका अंदर थोड़ा भय है क्योंकि ये पता नहीं कॉमिक्स चलेगी या नहीं चलेगी। अगर कॉमिक का कंटेंट अच्छा होगा और मूल्य थोड़ा सा वाजिब होगा तो कॉमिक्स जरूर चलेगी, कोई इसमें शंका नहीं है, कोई 100-200 रुपए खर्च करने से नहीं वो झिझकेगा व्यक्ति के एक कॉमिक्स ले लीजिए। विजय जी आज आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और आपके आशावादी व्यक्तित्व से हमको काफी प्रेरणा मिली, कैसे एक बच्चा अपने बचपन से कॉमिक्स पढ़ने की कला को अपने फैमिली बिजनेस में परिवर्तित कर दिया और वो जो है अपने पूरे शक्ति कॉमिक्स की टीम को निस्वार्थ भाव से शक्ति कॉमिक्स का चेहरा बन के लोगों से बात करता है और आज हमारे कॉमिक्स एंड यू के मंच पर है, मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा। और आने वाले वक्त में हम साथ ही साथ कॉमिक्स एंड यू की तरफ से आपको जो है इस बात के लिए और भी बधाइयां देंगे कि आप सिर्फ अपना कैरेक्टर ही नहीं, जैसे आपने रीजनल भाषाओं के बारे में सोचा और उनके राइट्स लिए, आप जब अपने कैरेक्टर जब लॉन्च करेंगे उनके बारे में भी यह सोचकर लॉन्च करें, एक आइडिया रखें, और अगर संभव हो तो डिजिटल कॉमिक्स के बारे में भी सोचें, क्योंकि आजकल अगर कॉमिक्स हार्ड कॉपी में आती हैं तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉपी में भी बिकती हैं और मिलती हैं, जैसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हो गए। तो मैं क्या बताऊं, मैं अति उत्साहित हूं, मेरे पास अब शब्द नहीं है ये जानने के बाद कि आप जो है प्रागैतिहासिक काल को आप वापस ला रहे हैं भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री में। और इसी के साथ सर आपने अपना कीमती समय दिया हम आपके लिए, हम आज कॉमिक्स एंड यू के मंच से आपका जो है हार्दिक अभिनंदन करते हैं और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं शक्ति कॉमिक्स के लिए। धन्यवाद सर।